हेलो एवरीवन वेलकम टू द दैकंड लेक्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास ट्वेल्व जे एंड नीट सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन देखिए आपको बोला गया है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच टू तो डबल इट्स लेंथ फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस अब आप बोलेंगे कि भैया ये तो काफी इजी क्वेश्चन है टेंथ का लेवल का क्वेश्चन है आप इसको यहाँ पे क्यों ले रहे हो ये तो एकदम बेकार हो गया देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं क्लास ट्वेल्व के लिए भी कवर कर रहा हूँ तो मैं तो बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा अगर आपको ये सब आता है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिसने करेंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कभी भी नहीं किया उसके लिए भी है एंड जिसको थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करना है वो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर ले ठीक है तो इसका सोल्यूशन देखते हैं इसको कैसे करेंगे एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था आर स्ट्रेच टू डबल इस लेंथ मतलब अगर मेरे पास एक सपोज़ ऐसे सिलेंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ कितना है एल अब मैंने क्या कर दिया इसी वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया स्ट्रेच करके टूवेल बना दिया देखिए ये वायर जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये पतला हो गया पहले थोड़ा सा मोटा था इसको थोड़ा और मोटा करके ड्रा कर लेते तो आपको थोड़ा बेटर फील आएगा सपोज़ कीजिए कि पहले ऐसा था अब जैसे ही मैंने इसको खींच के स्ट्रेस कर दिया तो ये ऐसा हो गया कुछ मतलब इसका एरिया तो डिक्रीज हो गया अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया तो डिक्रीज़ हो जाएगा पर एक चीज़ जो सेम रहेगा वो है वॉल्यूम वॉल्यूम इसलिए सेम रहता है क्योंकि मास दोनों का तो सेम ही है अगर इसका मास एम है तो इसका मास भी एम है अगर सपोज कीजिए इसका मास एम है और इसका एम है तो एम को एम के बराबर होना ही पड़ेगा अब मास का मतलब क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इसका मतलब क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो देखिए डेंसिटी डेंसिटी गेटिंग कैंसल्ड एंड वॉल्यूम इज़ सेम तो जब भी स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग होता है वायर के लिए तो क्योंकि मास सेम रहता है वायर का मास तो चेंज नहीं हो सकता बस हमने इसको खींचा है तो इससे क्या होता है वॉल्यूम भी सेम ही रहता है तो इसी फैक्ट को हम यूज़ कर लेते हैं तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए इस फैक्ट को कि जब भी हम वायर को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे क्या हो जाएगा मेरा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम रिमेन्स सेम मतलब वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट अब हम इसी फैक्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए देखिए हमें पता है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ठीक है ना अब यहां पे रो इज कॉन्स्टेंट रो इज द रेजिस्टिविटी दैट इज कॉन्स्टेंट बट एल बी कॉन्स्टेंट नहीं है तो ए बी कॉन्स्टेंट नहीं है तो मैं अगर यहां पे बताऊँ कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तो ये गलत है आर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ऐसा नहीं है कि आर इज इन द न्यूमरेटर एल इज ऑल्सो इन द न्यूमरेटर तो आर को आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्व वो तो तब होता जब रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टिविटी एंड एरिया दोनों कॉन्स्टेंट होता अगर ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट तब आप बोल सकते थे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्व बट इस एरिया कॉन्स्टेंट नहीं एरिया तो डिक्रीज कर रहा है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एंडवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बस तब बोल सकते हैं जब बाकी क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट हो तो यहाँ पे तो नहीं है ऐसे या फिर आप ऐसे भी नहीं बोल सकते हो कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ये क्योंकि एल भी वेरी कर रहा है ए भी वेरी कर रहा है तो हमें क्या करना है मुझे बस लेंथ का रिलेशन चाहिए लेंथ का रिलेशन चाहिए रेजिस्टेंस के साथ तो नीचे तो एरिया कॉन्स्टेंट नहीं है काश अगर एरिया कॉन्स्टेंट हो जाता या फिर नीचे एरिया हट के कुछ और आ जाता सपोज़ नीचे अगर एरिया हट के वॉल्यूम आ जाए फार्मूला ऐसा हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाए तो और आप डायरेक्टली बोल सकते हो लेंथ के साथ पर ऐसा तो होता नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ आप इस एक ट्रिक को देख लीजिए मैं इसको कैसे इवेल्यूएट करूँगा मैं ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई करूंगा आई एम मल्टीप्लाइंग रो एल बाई ए विथ एल एंड एल न्यूमोमेटर एंड डिनोमिनेटर विथ एल बाई एल तो क्या आ रहा है इससे रो एल स्क्वायर बाई वॉट इज ए इंटू एल एरिया इन लेंथ इज वॉल्यूम हाँ अब तो मेरा आ गया है क्योंकि अभी मेरे पास रो भी कॉन्स्टेंट है वी भी कॉन्स्टेंट है तो मेरे पास क्या आ रहा है आर इज इस, इसको ए इन एल लिख लेते हैं नेक्स्ट में वॉल्यूम लिखेंगे तो मेरे पास आ रहा है रो एल स्क्वायेयर बाई वी अब मैं बोल सकता हूँ कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायेयर क्योंकि अभी रो एंड वी ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है अगर दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायेयर मतलब रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर एल को हमने कितना कर दिया लेंथ को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस देखिए टू स्क्वायर हो जाएगा मतलब फोर फोर आर विल द आंसर अगर आप बेसिक से निकालना चाहते हैं तो आप कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वी कैन ब्रिंग अ कॉन्स्टेंट एल स्क्वायर अब आप रेशियो ले लीजिए अगर रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा आर वन बाई आर टू इस एल वन स्क्वायर बाई एल टू स्क्वायर या फिर एल वन बाई एल टू का होल स्क्वायर है ना आर वन का वैल्यू कितना है आर वन का वैल्यू इस आर आर टू का वैल्यू कितना है वो तो हम निकालेंगे एल वन का वैल्यू कितना है एल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल टू टू एल्व बस वैल्यू पुट कर दो दिस इज अ फॉर्मूला इसको आप याद भी रख सकते हो स्ट्रेचिंग के लिए ये एक अच्छा फार्मूला हो जाता है जिसको आप याद भी रख सकते हो तो एल एंड एल इज गेटिंग कैंसल्ड आउट सो आर बाई आर टू इज इक्वल टू वन बाई फोर सो आर टू कम्स आउट टू बी फोर आर दिस इज द आंसर आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि अगर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर तो लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो जस्ट एल के जगह पे टू पुट कर दीजिए टू स्क्वायर फोर टाइम्स हो जाएगा इधर आप डायरेक्टली भी बता सकते हो या फिर आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो मैंने थोड़ा सा ऐसे किताबों में नॉर्मली ऐसे किया नहीं जाता वो लोग तो वॉल्यूम कंजर्व करके एरिया निकाल के फिर डिवाइड करते थे तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया इसका मेथड टू भी है पर वो बताऊँगा नहीं क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना ठीक है ना तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एंड इसको अच्छे से समझ लीजिए सो लेटस्ट लुक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस नाइन ओ होमल्फ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ डबल डॉन इट सेल्फ इसका मतलब क्या है अच्छा फाइन द न्यू रेजिस्टेंस मतलब अगर एक वायर था सपोज कीजिए जिसका लेंथ है एल अगर मैंने इस वायर को ट्रिपल डॉन इट्स कर दिया मतलब इस वायर को तीन फोल्ड कर दिया मैंने मतलब अगर एक वायर इसको पहले एक बार फोल्ड किया या फिर दो बार फोल्ड किया मतलब इसका लेंथ कितना हो गया एल बाई थ्री अगर एल लेंथ का वायर को मैं खुद पे फोल्ड करूंगा सपोज ये मेरा हैंड है तो मैंने अगर इस हैंड को फोल्ड कर दिया तो अगर मेरा हैंड का लेंथ सपोज करिए कि टू मीटर है मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे फिस्ट बना लिया तो इसका अभी लेंथ कितना हो जाएगा वन मीटर सो वायर इज़ ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ इसका मतलब लेंथ एल से एल बाई थ्री हो गया अगर आपको बोला गया कि वायर इज़ डबल ऑन इट सेल्फ डबल्ड ऑन इट सेल्फ मतलब खुद ही पे एक बार उसने ऐसे फोल्ड किया एक एल लेंथ का वायर अगर था मेरे पास ठीक है ना अगर एक एल लेंथ का वायर था मेरे पास तो अगर मैंने इसको डबल डॉन इट सेल्फ मतलब इसी को लेकर खुद पर फोल्ड कर दिया तो इसका लेंथ हो जाएगा एल बाई टू इसको अच्छे से समझ लीजिए एल बाई टू सर ट्रिपल डाउन इट सेल्फ का मतलब कितना हो गया लेंथ हो गया एल बाई थ्री ओके मतलब मेरा इनिशियल लेंथ कितना था एल फाइनल लेंथ कितना हो गया एल बाई थ्री इनिशियल रेजिस्टेंस आर वन कितना था नाइन ओम एंड व्हाट इज द फाइनल रेजिस्टेंस यही निकालना है न्यू रेजिस्टेंस निकालना है अब मैंने आपको एक फॉमूला याद करने बोला था क्या आर वन बाई आर टू इज एल वन बाई एल टू का होल स्क्वायर व्हाट इज आर वन नाइन बाई आर टू वाट इज एल वन ये फार्मूला कैसे आता है याद है ना आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ ए कॉन्स्टेंट नहीं है तो मुझे नीचे ए के बदले वॉल्यूम लाना है तो बोथ साइड में एल इन टू एल से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर आ जाएगा एल स्क्वायर बाई वी अब रो भी कॉन्स्टेंट है वी भी कॉन्स्टेंट है सो आई कैन से आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर यहाँ से यह फॉर्मूला आ जाता है ओके वाट इज एल वन एल वन इज एल एंड वाट इज एल टू एल बाई थ्री अगर एल बाई थ्री करूँगा तो थ्री तो ऊपर चला जाएगा एल एल गेट्स कैंसल्ट एन बाई एन बाई आर टू मी एन ठीक है ना नाइन सॉरी नाइन बाई आट टू गिवी नाइन सो आट टू कम्स आउट टू बी नाइन बाई नाइन दैट इज वन होम सो मेरा जो न्यू रेजिस्टेंस है अगर किसी वायर को मैं लेकर ट्रिपल डोन इट सेल्फ कर दूँ मतलब उसका लेंथ को एल बाई थ्री हो जाए तो मेरा जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा दैट इज वन होम विच इज माई ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए एंड कॉपी कर लीजिए चलिए लेटेस्ट है लुक एट दैक्सट क्वेश्चन अ वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई नंबर वन फिफ्टी परसेंट नंबर टू टू परसेंट फाइन द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा गया नीट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन अच्छा तो ये दो क्वेश्चन है अलग अलग एक बार एक वायर को फिफ्टी परसेंट स्ट्रेच कर दिया चलिए हम पहले सोल्यूशन नंबर वन देख लेते ओके सो एक वायर था जिसका लेंथ हमने फिफ्टी परसेंट इनक्रीज कर दिया है एंड ओके पहले तो ये वाला कर लेते हैं सो सपोज दे वॉज अ वायर ठीक है ना इसका लेंथ कितना मान ले सपोज एल मान ले ओके okay. अब क्या किया है जो न्यू लेंथ है सपोज मतलब जो एल वन है दैट इज एल अब इसका लेंथ कितना इंक्रीज हो गया है न्यू लेंथ दैट इज इनिशियली कितना था एल प्लस फिफ्टी परसेंट ऑफ एल फिफ्टी बाई हंड्रेड इंटू एल तो ये कितना आ रहा है एल प्लस एल बाई टू दैट इज थ्री एल बाई टू यहाँ पे टू आ रहा है एल प्लस एल बाई टू इज थ्री एल बाई टू ओके अब क्या किया जाए देन फाइन द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस तो इस केस में आप रेजिस्टेंस निकाल लो है ना तो यहाँ पे तो अपन को एरिया ही नहीं पता तो अगर एरिया सपोज करो यहाँ पे ए था तो यहाँ पे इस केस में एरिया कितना होगा पहले तो यही निकालते क्योंकि हमें तो अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए यूज करना पड़ेगा एरिया नहीं पता तो मुझे क्या पता है कि वॉल्यूम इन द फर्स्ट केस मतलब जब रॉड का लेंथ एल है तब उसका जो वॉल्यूम है वी वन शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इन द सेकेंड केस जब रॉड का लेंथ थ्री एल बाई टू है अब वॉल्यूम का मतलब क्या है एरिया इंटू लेंथ एरिया इंटू लेंथ वॉट इज द इनिशियल एरिया ए इनिशियल लेंथ एल फाइनल एरिया हमें निकालना है एंड फाइनल लेंथ कितना है थ्री एल बाई टू सो एल एंड एल गेट्स कैंसल्ड सो वॉट इज ए टू ए टू कम्स आउट टू बी टू ए बाई थ्री ठीक है ना सो वॉट इज ए टू ए टू इज टू ए थ्री ठीक है सो so, मेरे पास एरिया है अब मुझे क्या करना है यहाँ पे लेंथ निकालते हैं रेजिस्टेंस निकालते रो एल बाई एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते रो व्हाट इज एल एल तो यहाँ पे है थ्री एल बाई टू एंड व्हाट इज द एरिया एरिया इज़ टू ए बाई थ्री तो थ्री ऊपर है तो यहाँ पे कितना आ रहा है नाइन रो एल बाई फोर ए नाइन रो एल बाई फोर ए अब क्या करें आर टू बाई आर वन कर लेते आर टू बाई आर वन है ना कितना आ जाएगा या फिर मुझे क्या निकालना है मुझे तो निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है तो परसेंटेज चेंज डेल्टा आर निकाल लेते हैं पहले परसेंटेज चेंज कैसा आएगा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज मीन्स चेंज बाई ओरिजिनल इन टू हंड्रेड तो पहले तो चेंज निकाल लो कितना चेंज हो रहा है नाइन रो एल बाई फोर ए माइनस रो एल बाई ए कितना आ रहा है ये एट रो एल बाई नाइन रो एल बाई फोर है यहाँ से अगर मैं एल सी एम ले लूँ दिस विल कम आउट टू बी फोर है सो so, ये कितना आ रहा है नाइन रो एल माइनस फोर रो एल दट इज फाइव रो एल बाई फोर ए दिस इज डेल्टा आर तो अगर हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो चेंज चेंज कितना है फाइव रो एल बाई फोर ए वाट इज द ओरिजिनल ओरिजिनल कितना था रो एल बाई एन टू हंड्रेड तो रो एल बाई एंड रो एल बाई ए इज गेटिंग कैंसल्ड सो फाइव बाई फोर इंटू हंड्रेड इज द आंसर तो यहाँ से अगर हम इवेल्यूएट करें इसको तो ये आ रहा है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है ना तो मैंने आपको इस मेथड से दिखाया है कि जहाँ पे मुझे पहले इसका एरिया निकालना था मैंने क्या किया दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करके इसका एरिया निकाल लिया फिर मैंने बस पुट किया एंड परसेंटेज चेंज निकाल लिया हम इसको थोड़ा सा आसानी से भी कर सकते थे पहले आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए मैं और एक ऑल्टरनेटिव मेथड ये फिफ्टी परसेंट वाले को दिखा दे रहा हूँ ओके देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते थे यहाँ पे तो मुझे परसेंटेज चेंज निकालना था ना तो मुझे क्या पता है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है मेथड टू यही अच्छा होगा शायद मेथड टू मेरा जो रेजिस्टेंस है इसका लेंथ कितना इंक्रीज़ हो गया फिफ्टी परसेंट सपोज़ मान लो अगर इनिशियल लेंथ हंड्रेड था तो फाइनली लेंथ कितना हो गया 50 परसेंट इंक्रीज़ हो गया मतलब 150, 100 प्लस परसेंट ऑफ 100, 150. ओके okay. हमें क्या पता है कि R1 वन बाई आर टू इज एल वन का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया आपको व्हाट इज आर वन आर वन तो मुझे पता नहीं सपोज आर मान लेता हूँ उसको एंड आर टू कितना है ठीक है लेंथ वन हंड्रेड बाई हंड्रेड एंड फिफ्टी का स्क्वायर तो इसमें क्या आ रहा है जीरो जीरो के कैंसिल फाइव टू 10 फाइव थ्री सो वॉट इज आर बाई आर टू कम्स आउट टू बी फोर बाई नाइन सो वॉट इज आर टू आर टू कम्स आउट टू बी नाइन आर बाई फोर ठीक है आर वन कितना है आर वन इज आर एंड वॉट इज आर टू नाइन आर बाई फोर सो वॉट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है आट टू माइनस आर वन दैट इज आर टू माइनस आर वन मतलब कितना नाइन आर बाई फोर माइनस आर दैट कम्स आउट टू बी फाइव आर बाई फोर है ना अब अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज इज वट चेंज बाय ओरिजिनल चेंज कितना है वट इज द ऑरिजिनल इंटू हंड्रेड दैट कैंसल्स आउट फिर से आ रहा है फाइव बाई फोर इंटू हंड्रेड दैट इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट सो दिस इज द सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर वन अगर फिफ्टी परसेंट हमने इंक्रीज कर दिया तो इसको आप नोट कर लीजिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकेंड पार्ट अगर टू परसेंट हमने लेंथ इंक्रीज कर दिया मिटा दो ओके okay. अब इसमें देख लीजिए इसको अगर हमने इसको फिफ्टी परसेंट लेंथ इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा सॉरी अगर टू परसेंट इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा देखिए जब भी जितना परसेंट इंक्रीज किया इफ़ दैट इज़ लेस देन फाइव परसेंट तो हम वो एरर एनालिसिस वाला जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जैसे मुझे पता है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ना तो सपोज मैं इसको आर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट को हटा के अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं बोथ साइड में लॉग ले रहा हूँ तो आ जाएगा मेरा लॉग आर इज लॉग ऑफ के एल स्क्वायर अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी से इससे ओपन कर दें इसको तो ये कितना आ जाएगा लॉक के प्लस लॉग एल स्क्वायेयर मतलब अगर मल्टीप्लाइड है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ एल स्क्वायेर अब ये टू सामने आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से फिर से ओके okay. अगर मैं इसको डिफ्रेंशियट कर दू आपको एयरिस क्लास ट्वेल्व में इसको बताया गया होगा अगर इस लॉक को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा डी आर बाई आर यह तो लॉक के इस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस ये कितना आ जाएगा टू इन टू डी एल बाई एल मतलब इफेक्टिवली आ रहा है डी आर बाई आर वॉट इज डी आर चेंज इन रेजिस्टेंस बाई इनिशनल इनिशियल रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस बाई ऑरिजिनल रेजिस्टेंस इज टू इन टू डी एल बाई एल मतलब वट इज दिस दिस इज चेंज इन लेंथ बाई ऑरिजिनल लेंथ तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दू dr आर बाई आर इंटू हंड्रेड विल बी टू इंटू डी एल बाई एल इंटू हंड्रेड ठीक है ना सो वॉट कैन आई पुट इन प्लेस ऑफ डी एल बाई एल इंटू हंड्रेड इसका मतलब क्या है चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ इंटू हंड्रेड तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है मेरे पास क्वेश्चन में गिवेन मतलब डी एल बाई एल इंटू हंड्रेड का ही वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में टू परसेंट तो मेरा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ये जो राइट right साइड में है चेंज इन रेजिस्टेंस बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इन टू हंड्रेड दिस इज दर्सेंटेज इन रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस यह कितना आ रहा है यह तो आ रहा है मेरा टू इंटू डी एल बाई एल इन टू हंड्रेड का मतलब टू जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज फोर परसेंट तो यह जो मेथड है यह आपको एरर एनालिस क्लास ट्वेल्व में बताया जाता है इतना तो सबको आता ही होगा तो मैंने बस अगर ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एरर आता है ये हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये जो परसेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ लेस देन अगर ये ह्यूज वैल्यूज तो आप तो बेसिक से कर लीजिए वरना आप इस मेथड से भी कर सकते हो इसको ठीक है सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको बोला गया है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेस्ड सच दैट इट्स रेडियस इज हाफ ये अच्छा क्वेश्चन है रेडियस को हाफ कर दिया है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस हमें क्या पता है हमें तो पता है कि देख लीजिए इसको अच्छे से R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इतना तो सबको पता होगा अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है तो ये जो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सर्टेनली ये सर्कुलर होगा ये रेडियस R तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो कंडक्टर है दिस इज लाइक दिस अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर एंड हमें कौन सा एरिया लेना है यही क्रॉस सेक्शन वाला एरिया एंड क्रॉस सेक्शन वाला एरिया हमेशा सर्कुलर होता है उसका रेडियस होता है सो कैन आई पुट हम क्या पुट करेंगे ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं पर उससे पहले क्योंकि हमें तो ए भी कॉन्स्टेंट मतलब अगर ए के साथ हम रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखना चाहते हैं तो ऊपर तो हर कुछ कॉन्स्टेंट होना चाहिए पर सब कुछ तो कॉन्स्टेंट है नहीं क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ एक्स्ट्रा है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको अच्छे से देख लीजिए रो एल बाई ए ठीक है ना मैं क्या कर रहा हूँ आई एम मल्टीप्लाइंग अगर मैं मुझे बस एरिया यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता तो हूँ ऊपर और नीचे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे देखिए क्यों क्योंकि ऊपर में मुझे कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है एंड कॉन्स्टेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ए इन टूएल्व वी आ जाएगा एंड वी इज अ कॉन्स्टेंट तो नीचे कितना आ रहा है रो वट इज ए इन टू एल्व ए इन टू एल्व इज वी बाई ए स्क्वायर अब मुझे तो एरिया के साथ वेरिएशन नहीं देखना है रेडियस के साथ देखना है अब मैं इन प्लेस ऑफ ए में पाई आर स्क्वायर पुट करता था तो ए स्क्वायर है यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर फोर सो दिस इज रो आर इज इक्वल टू रो वी पाई स्क्वायर एंड व्हाट इज आर रेडियस को मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर की पावर फोर अब देखिए यहाँ पे रो इज अ कॉन्स्टेंट वी इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पाइस्को इज अंस्टेंस कैन आई से देअर फोर आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन बाई रेडियस की पावर चार तो अगर ऐसा है अगर हम रेशियो ले लेंगे आर वन बाई आर टू आर वन बाई आर टू का फार्मूला आ जाएगा कितना आठ टू फोर बाई आर वन की पावर फोर क्योंकि देखिए इन्वर्स है तो ऊपर अगर आर वन है तो यहाँ पर आठ टू आ जाएगा अब रेजिस्टेंस आर था हमें आठ टू निकालना है रेडियस कितना है सच देट इट्स रेडियस इज हाफ मतलब अगर आर वन का वैल्यू आर है तो आर टू का वैल्यू कितना है आर बाई टू तो ऐसे ही हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे आर वन इज आर दिस इज़ आर बाई टू का पावर फोर अगर ऐसा है तो आर एंड आर इज गेटिंग कैंसल्ड आउट देर फोर आर बाई आर टू कम्स आउट टू बी कितना वन बाई टू की पावर फोर टू की पावर फोर मतलब टू इंटू टू इज फोर फोर इंटू टू इज एट सो दिस कम्स आउट टू बी सिक्सटीन सो so what इज़ द वैल्यू ऑफ आर टू आर टू इज सिक्सटीन टाइम्स आर ठीक है मैंने क्या किया बस मैंने ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर मैंने कांस्टेंट क्रिएट कर लिया मैं जिसके साथ अपना रिलेशन देखना चाहता हूँ बस उसी को रहने दूंगा बाकी हर हर चीज़ को मैं कांस्टेंट कर दूंगा एंड ये आप मेथड देख लीजिए मतलब मेरे पास जितने भी फॉर्मूलाज आए अब तक वन इज़ आर वन बाई आर टू इज एल वन बाई एल टू होल स्क्वायर ये एक आप यूज़ कर सकते हैं वो अनदर इज़ आर वन बाई आर टू इज ए टू बाई ए वन का होल स्क्वायर ये भी एरिया के साथ आप देख सकते हैं एंड अगर रेडियस के साथ देखना चाहे तो आर वन बाई आर टू इज आर टू बाई आर वन होल पावर फोर ठीक है सो so यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस टू का वैल्यू कितना आ रहा है सिक्सटीन आर दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ठीक है मैं एक बार आपको बस समराइज़ कर दे रहा हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन में किया क्या है आप नोट कर लीजिए मेरे पास था ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मेरे पास था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए जब भी मुझे रेजिस्टेंस एंड लेंथ का वेरिएशन दिखना है तो ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा मतलब कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा तब मैं क्या कर रहा हूँ लेंथ बाई लेंथ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में मेरा आ जा रहा है रो एल स्क्वेयेर बाई वॉट इज ए इं टू एल ए इंटू एल एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम सो रो एल स्क्वेयर बाई वी तब मैं बोल सकता हूँ कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर क्योंकि रो एन वी कॉन्स्टेंट है जब भी मुझे एरिया के साथ वेरिएशन देखना है सो आई नो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आई एम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विथ ए लेंथ के साथ वेरिएशन देखना है सो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो एरिया के साथ देखना है तो ये क्या आ जाएगा रो ए एल वॉट इज ए एल एल इज वी सो दिस इज रो वी बाई ए स्क्वायर सो आई कैन से आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए स्क्वायर तो रेडियस जो है सॉरी रेजिस्टेंस जो है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर फोर एंड अगर ए का वैल्यू आप आई आर स्क्वायर पुट कर देंगे सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर चार इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए समझ लीजिए अगर आपने बस इन तीन फार्मूलाज को अच्छे से समझ लिया तो आपसे ये स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग के हर एक क्वेश्चन बनने लगेंगे ठीक है ना चलिए अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन गिवन है इट्स अ गुड क्वेश्चन आप ध्यान से देखना इसको यहां पे एक रॉड आपको गिवन था रॉड का लेंथ कितना है एल रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए रॉड का रेजिस्टिविटी कितना है रो ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन था स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने बस ड्रॉ कर दिया सिचुएशन पोर्शन एक्स वॉज बीटन अप अब क्या हो रहा है कि पूरे रॉड को कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं किया जा रहा है सिर्फ ये पोर्शन एक्स इतना इसको क्या किया था पूरा बीटन अप मतलब पीटा गया इसको पीट के क्या हुआ जब जब भी मैं इसको पकड़ के पीटूंगा ऐसे तो ये क्या होगा इतना पार्ट कंप्रेस होने लगेगा अगर मैं इस मार्कर को पकड़ के इस वाले पोर्शन को बीट अप करने लगूँ किसी हथौरे से या कुछ तो क्या होगा ये मार्कर का जो इतना वाला पार्ट है यह पतला होने लगेगा इट वॉज बीटन अप एंड फाउंड दैट द न्यू लेंथ ऑफ रॉड इज वन पॉइंट फाइव एल इनिशियल लेंथ कितना था एल जब मैंने इसको बीट किया तो इसका एरिया तो कंप्रेस हो गया पर लेंथ तो इंक्रीज हो गया इंक्रीज होकर कितना हो गया वन पॉइंट फाइव एल एंड ये जो रॉड का इनिशियल रेजिस्टेंस था दैट इज आर ये तो लिखा नहीं है रॉड का इनिशियल रेजिस्टेंस वर एंड न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया थ्री आर यू हैव टू फाइंड एक्स तो मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूँ पहले आप इसको खुद अटैम्प्ट कीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप सोल्यूशन देख लीजिए पहले आप इसको अटैम्प्ट कीजिए अच्छा क्वेश्चन है ये काफी कुछ सिखा के जाएगा आपको ठीक है ना हो गया आपसे अब हम अटैम्प करके देखते हैं इसको देखिए है। तो पहले मैं सिचुएशन को एक बार ड्रॉ कर लूँ क्या हो रहा है अच्छे से समझना इसको इतना पोर्शन तो सेम ही था हमने बस पोर्शन एक्स को बीट किया इतना तो सेम ही था ठीक है ना अगर इतना एक्स है तो इतना बाकी कितना है रिमेनिंग पोर्शन कितना है एल माइनस एक्स पूरा एल था हमने बस एक्स को बीट किया तो कितने को बिट नहीं किया कितना पूरा सेम था एल माइनस एक्स बस एज इट इज सेम अब इस पोर्शन को हमने बीट किया तो ये तो ज़रूर पतला हो गया होगा ठीक है ना ये टोटल लेंथ कितना है मेरा टोटल लेंथ इज वन पॉइंट फाइव एल बोला गया, गया क्वेश्चन में वन पॉइंट फाइव एल तो अगर ये टोटल लेंथ वन पॉइंट फाइव एल है इतना एल माइनस एक्स है तो इतना यह वाला पोर्शन कितना हो जाएगा ये वाला पोर्शन हो जाएगा मेरा एल माइनस एक्स वन पॉइंट फाइव एल माइनस एल माइनस एल प्लस एक्स दिस इज दिस वाला जो लेंथ है मतलब यहां से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये पूरा वन पॉइंट फाइव एल है दिस इज एल माइनस एक्स देख लीजिए ये वाला एल माइनस एक्स तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा दिस इज 1.5 पॉइंट एल मतलब ये माइनस ये माइनस एल माइनस एक्स तो इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एल प्लस एक्स दैट इज पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स मतलब पीटने के बाद ये जो पोर्शन है पीटने के बाद ये जो पोर्शन है दैट इज पॉइंट फाइव एल इंटू एक्स तो जितने पार्ट को पीटा गया क्या हम उसके लिए बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम सेम होगा मतलब x वाले पोर्शन को पीट के कितना कर दिया 0.5l पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स तो वॉल्यूम तो सेम ही होना है ना वॉल्यूम क्यों चेंज होगा मैंने क्या कहा था कि कंप्रेस या एक्सटेंसन से वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाले पार्ट का वॉल्यूम एंड ये वाले पार्ट का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम इन इनिशियल सिचुएशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इन फाइनल सिचुएशन अब इस वाले जो एक्स वाला जो बीटेन अप पोर्शन है उसका एरिया कितना है ए एंड ये लेंथ कितना है एक्स सो वट इज द इनिशियल वॉल्यूम एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ये एरिया कितना है यहाँ पे इसको ए टू मान लो हमें तो पता नहीं क्योंकि एरिया तो कम हो गया अच्छा ए टू हम बस ये बीटन अप पोर्शन के लिए लगा रही है ये वी वन इज इक्वल टू वी टू ओनली फॉर द बीटन अप पोर्शन बाकी तो एज इट इज है बीटन अप पोर्शन अच्छे से समझ लीजिए इसको इस पोर्शन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं बस अच्छा ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए इन टू लेंथ न्यू लेंथ कितना है बी अप के लिए जीरो पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स ए टू का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास ए एक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए हमने ए टू भी निकाल लिया ठीक है ना अब हम क्या करेंगे जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अगर हम न्यू सिचुएशन में आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखे तो ये कितना आ जाएगा मेरा पहले इस पोर्शन का अलग लिखो फिर इस पोर्शन का अलग लिखो भाई साहब क्यों अलग लिखो देखिए इस पोर्शन का लेंथ अलग है एरिया भी अलग है तो अगर हम एल वाल एल माइनस एक्स पोर्शन के लिए लिखे तो वो कितना आ जाएगा रो इन टू एल माइनस एक्स बाई एरिया कितना है इसका एरिया तो ए ही है क्योंकि इस पोर्शन को तो हमने बीट नहीं किया प्लस ये बीटेना पोर्शन जो है इसके लिए अगर हम करें तो रो वॉट इज द लेंथ लेंथ इज जीरो पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स जीरो पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स अच्छे से समझिए बाई ये बीटेना पोर्शन का एरिया कितना है ए टू अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप थोड़ा सा रिवाइन कर लीजिए मैं एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझिए इसको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पहले पर जैसे ही आप कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा ओके okay, तो आर इ्यूल का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा एल माइनस एक्स बाई ए कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ ए डैश ए डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा ये जीरो पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स बाई वट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश ए एक्स ए एक्स बाई ये जीरो पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स तो ये अगर ऊपर चला गया तो यहां पे क्या आ जाएगा बस एक्सक्र आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अच्छा और आर इक्न का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं का वैल्यू टोटल लेंथ व्हाट इज द टोटल लेंथ तो ये आ जाएगा रो आर इक्लेंट कितना है न्यू रेजिस्टेंस कितना दिया है थ्री आर थ्री आर एंड आर का वैल्यू कितना है आर ये वाला है आर इज रो एल बाई ए देखिए कन्फ्यूज मत हो है न्यू रेजिस्टेंस इज थ्री आर आर कितना है आर तो ये वा, इस वाले का रेजिस्टेंस है तो रो एल बाई ए थ्री इंटू रो एल बाई ए एक्चुअली थ्री आर है पर आर का वैल्यू कितना है रो एल बाई ए मैं क्यों रो एल बाई के टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना है कुछ कुछ रो 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 कट गया और क्या क्या कट जाएगा ए इज इक्वल टू एल माइनस एक्स प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स ठीक है इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा मिटा रहा अब पहले आप इतना सा कॉपी कर लीजिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है अब मिटाना पड़ेगा एक बार कॉपी कर लीजिए इतना पहले ओके okay. अच्छा अब हम अगर इसको इवेल्यूएट करें तो अगर मैं एल ले लूँ एल लेने से कितना आएगा मेरा थ्री एक्स एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट फाइव एल अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ओपन कर दूँ तो ये कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव एल का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर टू इंटू ए इंटू यहाँ पर एक एक्स आना चाहिए प्लस बी स्क्वायर दिस इज टू इंटू तो इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर कितना आ रहा है थ्री यहाँ पे एक एल तो था एल तो यहाँ पे था थ्री एल एक्स सो थ्री एल एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है एल एक्स प्लस थ्री एल एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव एल का होल स्क्वायर जीरो पॉइंट फाइव एल का होल स्क्वायर का मतलब क्या जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव एल स्क् सो ये कितना आ रहा है मेरे पास दिस इज वन बाई एल स्क्वायेर बाई फोर तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायेर बाई फोर इस टर्म को प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टू कितना है प्लस एल एक्स तो ये ऐसे आ रहा है तो एल एक्स प्लस एल एक्स टू एल एक्स इधर ले जाओ तो lx इज इक्वल टू एल स्क्वायेयर बाई फोर अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा एक एल एक एक एल कैंसिल कर दूँ तो मेरा जो एक्स का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ एल बाई फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इरोडोव में ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है इट्स अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ वेरी गुड बुक इरोडोव ठीक है ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है इसका वैल्यू आ रहा है एल बाई फोर आप इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए एंड इसको अच्छे से समझ लीजिए